उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। 25 जून 1975 को 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी और करीब 21 मार्च 1977 तक यह चली थी। यह समय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौरा था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र में इंदिरा गांधी की आगेवानी वाली कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उस दिन को तब से आज तक काला दिन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते आ रहे हैं। उसी के तहत पूरे भारत देश के सभी राज्यों में 25 जून का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काला दिन के रूप में मनाते हैं। अरावली जिला और साबरकांठा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आज के दिन को काला दिन के रूप में मनाया। चीफ ब्यूरो हिमांशु व्यास के साथ हितवी व्यास, उज्जवल भारत न्यूज चैनल, अरवली। वंदे मातरम, नमस्कार। आजनो दिवस 25 जून 1975 भारत देश माटे कलंकित दिवस हतो, काळो दिवस हतो, हिटलर साईनो दिवस हतो, तानाशाहीनो दिवस हतो। कारण इंदिरा गांधी श्रीमती आपना ते वखतना वडाप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधीए पोते चूंटणीमां गैररीति आचरी हती। एना अनुसंधान में हाईकोर्ट अलाहाबाद थी एमनी अनफेवर में डिसीजन आवे अने सत्ता टकाई राखवा माटे रातो रात राष्ट्रपति साथे सही करावी अने इमरजेंसी दाखल करी। रातो रात हिटलरे करी तो एनाथी भी मोटू खराब कृत्य आपणी संविधाननी जे तूट्यो हती ए तोड़ी संविधानने विखेर करी अने इमरजेंसी दाखल करी दीधी। इमरजेंसी दाखल कर्या पछी रातो रात आपणा देशना तमाम विरोध पक्षना तथा अन्य पक्षना तमाम नेताओ, सामाजिक कार्यकरो दरेकने रातो रात जेलमां गोधी दीधा अने ए दिवसथी इमरजेंसी लागू करी दीधी। सेंसरशीप, दरेक पत्रकार, दरेक न्यूजपेपर, दरेकने कटिंग करी अने सेंसरशीप पास करावी अने पोते आखा देश पर एक जात अर्थू शासन स्थापी दीधुं। आ भारत देश माटे आ काळो दिवस हतो। एटले दर 25मी जून दरेक वर्षे 25मी जून ए काळा दिवस तरीके भारतमां मनावतो आव्यो छे। विरोध पक्षोए खूब प्रयत्नो कर्या पण मीसानी अंदर दरेकने दाखल करी जेलमां नाखी दीधा, जेलमां गोधी दीधा अने जेलनी अंदर अमे अनेक प्रकारनी यातनाओ आपी अने दरेकने नेસ્તનાબૂદ કરવાનો પ્રયત્નો કર્યા પણ કુદરતને મંજૂર હતું નહીં આ અને 1977 માં ઇન્દિરા ગાંધીની ભગવાને બુદ્ધિ ફેરવી અને એની ઇલેક્શન ડિક્લેર કર્યા અને ઇલેક્શનમાં જનતા દળ, જનતા મોરચો, તમામ પ્રકારના લોકોમાં એકઠા થઈ ગયા। જ્યારે ઇમરજન્સી દાખલ કરી ત્યારે હું પણ 1975 માં કોલેજમાં હતો, હું પણ એસવાય બીકોમમાં હતો અને અમે પણ એ વખતે ઘણું ઇમરજન્સી વખતે હું જનસંઘ અને વીએચપીનું કામ કરતો હતો અને એ વખતે અમે પણ ઘણી દોડાદોડી કરી અને દેશ માટે અમે ઘણી મહેનત કરી હતી અને 1977 ઇન્દિરા ગાંધીએ ચૂંટણી આપી અને ચૂંટણીમાં એનો પરાજય થયો અને દેશમાં આ સંવિધાનને જે વેવિખેર કરી દીધું એને નવેસરથી ઉભું કરી આ દેશને લોકતાંત્રિક દેશ તરીકે જાહેર કરાયો। વિરોધ પક્ષોએ શ્રી મોરારજી દેસાઈ, ચરણસિંહ અને અનેક નેતાઓએ આ દેશને લોકતાંત્રિક તરીકે ફરી સ્થાપિત કર્યો અને એ આજે 25 જૂન 1975 દિવસ કાળા દિવસ તરીકે મનાવાય છે। આ ઇતિહાસનો કાળો દિવસ છે, ક્રાંતિકારી દિવસ હતો, ક્રાંતિકારી લોકોએ ક્રાંતિકારી દિવસ બનાવ્યો 1977 માર્ચ મહિનાનો અને રિઝલ્ટ ઇન્દિરા ગાંધીની અનફેવરમાં આપી અને એક સ્થાપિત કર્યું નવું લોકતંત્ર અને ભારત દેશને નવેસરથી ઉભો કરી અને આઝાદ કર્યો અને આ કાળા દિવસને દાબી દીધો વિરોધ પક્ષોએ અને દરેકે મીસાની અંદર અનેક મોડાસાના નેતાઓ રાજાભાઈ પટેલ, પરમાનંદ, નટુભાઈ કોલસાવાળા એવા અનેક કાર્યકર્તાઓ અમે પણ અંદર આવી જતા પણ અમે કોલેજમાં હોવાથી અમે કોઈ ડિક્લેર થયા નહોતા અને એ વખતે આખા દેશની અંદર
इंदिरा गांधी तमाम विरोध पक्ष नेताओं ने अंदर नाखी दरेक ने पूरी दीधा था। आ रीते भारत देश में 1977 में चूंटणी आवी सामान्य चूंटणी में इंदिरा गांधी नो पराकाष्ठ थयो पराजय थयो अने ए पछी नवेसर थी भारत देश की लोकशाही स्थापित थई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबनो आभार। आजना सुहा